आप बहुत समय से पोकेमोन यूनाइट खेल रहे हैं और फिर भी आपके रैंक मैच नहीं खुले? आपका लेवल 6 तक पहुंच चुका है और यूनाइट लाइसेंस में 5 पोकेमोन हो चुके हैं और फिर भी आप रैंक मैच पे क्लिक कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मेन कारण है आपके फेयर प्ले पॉइंट्स। फेयर प्ले पॉइंट्स पोकेमोन यूनाइट का वो सिस्टम है जिसके हेल्प से पोकेमोन यूनाइट गेम की टीम डिटेक्ट करती है कि आप गेम ढंग से खेल रहे हैं या नहीं। अगर आपको रैंक मैच खेलना है तो आपको अपना फेयर प्ले पॉइंट 80 से अबव रखना पड़ेगा। अब बात है हमारे फेयर प्ले पॉइंट्स कटते कैसे हैं। फेयर प्ले पॉइंट्स कटने का ये मैकेनिज्म है, अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है और आप पूरी की पूरी गेम्स में कुछ भी नहीं करते तो आपके वो -8 काटेंगे। अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 मिनट के अंदर अंदर बैटल में कुछ नहीं कर रहे तो आपके 2 पॉइंट्स कटेंगे। और अगर आपने जैसे मैच मेकिंग होती है और उस समय आपने रेडी पे क्लिक नहीं करा तो भी आपके 1 पॉइंट कटेगा। एक दिन में आप 5 पॉइंट्स टोटल अर्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको रैंडम बैटल्स, रैंक्ड मैचेस और सीपीयू बैटल्स खेलने पड़ेंगे। सीपीयू बैटल से हमें 1 पॉइंट मिलता है और रैंडम बैटल में भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और रैंक्ड मैच क्योंकि हमारे अनलॉक है तो हमें उससे पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमें मेनली 3 पॉइंट्स हम अर्न कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के उसको 80 से अबव कर सकते हैं ताकि हमारे रैंक मैच खुल पाए। एक मेन चीज जो नोट करने वाली है, हम एक दिन में 5 ही फेयर प्ले पॉइंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आप जितने भी मैच खेलो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेनली आपको 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे, एक रैंडम बैटल के और एक सीपीयू बैटल के।